और अब रुख करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती हैं। महाराष्ट्र के शाहपुर इलाके में लोगों को पीने का पानी लाने के लिए कई किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता है। हालात ये हैं कि 5 गांव के लोगों की प्यास बुझाने के लिए बस एक कुआं है। ऐसे में वहां के एक इंजीनियर नौजवान ने नौकरी ना करके इस परेशानी का हल ढूंढने की ठानी। ये तस्वीरें दिल दुखाती हैं। हैरानी होती है कि ये तस्वीरें नए भारत की हैं। तपती दोपहरी में जब 4 कदम चलना भी मुश्किल हो, तब ये महिलाएं और बच्चे अपने घर की जरूरत पूरी करने के लिए मीलों चलकर कुएं से पानी लेने जा रहे हैं, क्योंकि इनके घर के आसपास पानी की कोई और व्यवस्था नहीं है। कुएं हैं भी तो या तो वे सूखे पड़े हैं या फिर उनमें इस्तेमाल करने लायक पानी नहीं है। तस्वीरें मुंबई से सटे शाहपुर इलाके की है, जहां 5 गांवों की प्यास बुझाने के लिए बस एक कुआं है। बूंद बूंद पानी की कीमत समझनी हो तो 1600 आबादी वाले इस इलाके के लोगों से समझिए, जहां सरकारी मदद भी बस खाना पूर्ति है। टैंकर से पानी आता है, लेकिन इतना कि पूरा नहीं पड़ता और इस्तेमाल के लायक भी नहीं होता। 2 किलोमीटर पानी लाने के लिए जाना पड़ता है, और पानी के लिए सुबह जाते हैं तो बच्चे भी रोते हैं, लेडीज को भी पॉसिबल नहीं होता, धूप भी बहुत लगता है, और जो पानी लाते हैं वो कॉन्ट्रैक्टदार वो भी अच्छा नहीं रहता है। जो पानी जहाँ से आता है वह इतनी गंदगी है कि वो पानी से वो लोग नीचे नहाते भी नहीं, इतनी गंदगी है। नहाएगा तो भी खुजली आता है, इतना गंदा पानी देते है। उसमें पूरा भैंसों नहाते है, वो सब बच्चे लोग नहाते है, कपड़ा धोते है, और वही पानी उठा के हमको टैंकर से लेके आते है, इधर डालते है, और वो टैंकर भी आता है तो 10,000 लीटर का टैंकर, लेकिन उसमें पानी 4,000 लीटर भी नहीं आता है, और 5 गांव को 4,000 लीटर पानी गांव से बांटना पड़ता है। इलाके में सरकारी स्कूल है, आंगनबाड़ी है, लेकिन वहाँ भी पानी की उचित व्यवस्था नहीं है। ग्राम पंचायत में पानी की समस्या को लेकर शिकायत होती है, लेकिन वहाँ भी बस टकासा जवाब मिलता है। पंचायत समिति में बोलते हैं हम पानी चाहिए नल, तो बोलते आपको बावली धरन से पाइपलाइन आ रही है, वो पानी आपको मिलेगा, तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो वो पाइपलाइन हो जाएगा तभी तुमको पानी मिलेगा। पानी की समस्या इस इलाके में नई नहीं है, लेकिन इस हालात को बदलने की ठानी है इसी गांव के एक नौजवान योगेश ने, जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है लेकिन शहर में नौकरी नहीं की, बल्कि वो एक ऐसे एनजीओ से जुड़े जो इलाके में जल संरक्षण और प्रबंधन पर काम कर रहा है। मैं अभी भी काम कर सकता हूँ वहाँ पे जाके, लेकिन मेरे गाँव वालों के मेरी एरिया के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मुझे तो ये लगता है कि वहाँ पे मुझे 50,000 भी मिल जाए और यहाँ पे मुझे 10,000 भी मिल जाए, लेकिन यहाँ पे मैं संतुष्ट हूँ। अगर मैं कुछ कर पाता हूँ, थोड़ा बहुत कुछ कर पाता हूँ, तो भी मुझे बहुत संतुष्टि है, और मैं यहाँ पे ही काम करना चाहता हूँ। एनजीओ के थ्रू जो पानी पे काम होगा, मैं तो मेरा एम तो यही है कि मैं ऐसा देख लूँ कि मेरे घर के पास मतलब पानी आ रहा है, और वो जो मतलब हंडा लेके जा रहे हैं लोग वगैरह, वो बंद हो जाए। महाराष्ट्र के इस इलाके में तस्वीर बदलने की कवायद सरकारी स्तर पर भी हो रही है, पाइपलाइन बिछाने की तैयारी भी है, लेकिन सवाल यहाँ भी कई हैं। सवाल उठ रहे हैं कि अगर 10 किलोमीटर दूर भादसा डैम से पानी इलाके तक पहुंचाया जा सकता है, तो फिर 100 किलोमीटर दूर भावली बांध से पानी लाने के लिए पाइप क्यों बिछ रही है, जबकि वहां पर्याप्त पानी भी नहीं है। योगेश जैसे नौजवानों के आगे आने से इन सवालों के जवाब शायद मिल सकें। पंकज उपाध्याय, शाहपुर, गुड न्यूज टुडे।